चंद्रयान टू ने रच डाला है ऐसा इतिहास जिसको देख करके जिसको सुन करके पूरा विश्व एक बार फिर से हैरान हो चुका है। साथ ही साथ पूरे विश्व से इसरो को बहुत सारी बधाइयां मिल रही हैं। आपको बता दें कि चंद्रमा पर अब मानव की बस्तियों को बड़े ही आसानी से बसाया जा सकता है और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ इसरो को जाएगा, क्योंकि चंद्रयान टू ने अभी अभी चंद्रमा पर नदी की खोज कर डाली है। वह नदी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है और बह रही है। वह नदी बेहद दुर्लभ नदी खोज कर निकाला है चंद्रयान टू ने और इसी की वजह से इसरो को बहुत सारी बधाइयां मिल चुकी हैं। चंद्रयान टू ने एक वीडियो भेजा है 2 मिनट का, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक नदी चंद्रमा पर बह रही है कि चंद्रमा पर, जी हाँ, चंद्रमा पर नदी मौजूद है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि वहां पर मौजूद इस नदी का कलर लाल होने के कारण कि इस नदी में सिर्फ और सिर्फ पानी ही है और उसका लाल होने का एकमात्र कारण है आयरन ऑक्साइड। जी हाँ, आयरन ऑक्साइड के सबसे ज़्यादा मात्रा होने के कारण और वहां की मिट्टी जहां से वह नदी निकली है, जहां उसका उस नदी का उद्गम स्थल है, उस उद्गम स्थल पर मौजूद मिट्टी लाल है, क्योंकि वह जो उद्गम स्थल है वहाँ पर ज्वालामुखी आया था और ज्वालामुखी के क्रेटर के अंदर से वह नदी बह रही है और वहाँ से बहने के बाद वह एक ऐसे बेहद दुर्लभ बहुत सारे पहाड़ियों के बीच नीचे धंसे हुए बह रही है। चंद्रमा की सतह पर नदी खोजी गई है, उसे अब तक किसी ने नहीं खोजा था, सबसे पहले भारत ने खोजा। नदी चंद्रमा पर बह रही है, दरअसल यह ज्वालामुखी के क्रेटर के अंदर इसका उद्गम स्थल है और क्रेटर के अंदर उद्गम स्थल होने के कारण क्रेटर को बीच से ही फाड़ कर वह नदी वहां पर मौजूद बहुत सारे पहाड़ियों के बीच वो भी अंदर से बह रहा है, जिसे हम किसी भी सैटेलाइट से देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब चंद्रयान 2 के रोवर ने वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग किया और बेहद पास से जा कर के वहाँ की वीडियोग्राफी देखी, तो वहाँ पर उसने पाया कि पहाड़ियों के अंदर कुछ बहुत ही तेज़ी से और एक समान गति से मूवमेंट हो रहा है। इस मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद उसने तुरंत ही अपने फ़ोटो कैमरे को ऑन किया और वहाँ पर उस कैमरे द्वारा वीडियो बनाया और इसरो को भेजा। जब इसरो ने उस वीडियो को देखा तो वह पूरी तरीके से हैरान रह गया, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ यह दिखाई दे रहा था कि एक नदी है जो बहुत सारी पहाड़ियों के बीच अंदर से बह रही है और वह नदी मात्र 2-3 छेद के कारण ही दिख पाई है। पहाड़ियों के बीच से बहती हुई यह नदी 2-3 जगह पहाड़ियों के बीच छेद होने की वजह से वह दिख पाई है, अन्यथा वह कभी भी दिख नहीं पाते। इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवान ने बताया है कि इस नदी के भरोसे ही वहां पर एलियंस का बसेरा हुआ होगा। वह एलियंस उस जगह पर इसी नदी के भरोसे जिंदा हैं, क्योंकि इस नदी में ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थ मौजूद हैं जिसको पीने मात्र से इंसान को लगभग 2-3 दिन तक भूख नहीं लगेगी और साथ ही साथ उसके शरीर की सारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी। चंद्रमा ऊपर से तो पूरी वीरान लगती है, तो आखिर वहां पर पानी कहां है, और यह राज आज खुल गया है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें।